इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं RNS वर्ल्ड स्कूल झांसी, शिक्षा संस्कार सक्सेस। पैसे और मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे बदमाशों को पब्लिक ने धर दबोचा और उनकी पिटाई कर दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बदमाशों को अपने कब्जे में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। पूरी जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ जैन से। सौरभ, क्या था पूरा मामला? जी सर, मैं आपको बता दूं कि ये मामला कल शाम 7 बजे का है। जो एक दुकान पे लगा काम करता था, वो अपने दुकान से कार करके अपने घर वापस जा रहा था। तभी मर्दन सिंह फील्ड पर जैसे ही वो पहुंचा, वहां से पीछे 2 अज्ञात युवक आए जिन्होंने उस लड़के का मोबाइल छीना और भागे। वो जी मोबाइल छीनकर जैसे ही भागे तो वो चिल्लाया, और चिल्लाने के बाद वो बदमाश सीधे सरफिया ने मोहल्ले में जाकर 2 अलग अलग छतों पर छुप गए। पब्लिक की बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद उन दोनों युवकों को पकड़ा गया और पब्लिक द्वारा उनकी धुनाई की गई। वहीं पर पब्लिक के बीच से किसी ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई, जिसके दौरान मौके पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज अब्दुल नईम खान बदमाशों को पकड़ने पहुंचे, तो उसी में से एक बदमाश सरफराज उर्फ अरबाज पुत्र सलीम ने कस्बा इंचार्ज को सलाम बजाते हुए बोला कि साहब, आप तो हमारे घर आते रहते हैं, मुझे बख्श दीजिए। पर पब्लिक की भीड़ काफी एकत्रित हो चुकी थी, इस वजह से पुलिस कस्बा इंचार्ज की नहीं चली और दोनों आरोपियों को कोतवाली लाया गया, जिसके तहत दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। दूसरे आरोपी की क्या पहचान है, उसकी पहचान हो पाई? दूसरे आरोपी की सर पहचान हो गई। दूसरे आरोपी की पहचान मोनू खंगार पुत्र ब्रजेंद्र खंगार निवासी अंजनी नगर पूरा कला रोड के त्राहे के रूप में हुई। क्या इन लोगों ने ये कबूला कि इसके पहले भी वो ऐसी कई घटनाएं कर चुके हैं? नहीं सर, ये कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि इन लोगों ने पहले भी ऐसी कोई घटनाएं की हैं, लेकिन अभी इस घटना में रंगे हाथ पकड़े गए, तो इस घटना में चोरी का आरोपी मानते हुए दोनों को जेल भेज दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बस ये जानकारी जरूर मिली थी सूत्रों द्वारा कि दोनों युवक काफी नशे में थे और पहले भी नशा में रहते थे ये दोनों युवक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। तो ये थे सौरभ जैन हमारे पत्रकार, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ BK।